बनाना शेक, ये एक ऐसा शेक है जो आप में से लगभग सभी लोग पीते होंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो भाई क्या आपको ये पता है कि ये जो बनाना शेक है ये हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसे समझने से पहले ये समझो कि ये जो ड्रिंक है ना, ये जो शेक है, ये पहली बात तो हमारे भारत देश की है ही नहीं, ठीक है। मानता हूँ केला हमारे देश में होता है, दूध हमारे देश में होता है, लेकिन जो ये ड्रिंक है ना, इसका कॉम्बिनेशन, ये तो हमारे भारत देश का है ही नहीं। तो भाई ये कहाँ का है, ये है साउथ अफ्रीका का। अब वहाँ पे इसको एनर्जी ड्रिंक के ऊपर क्यों पिया जाता है वो भी बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझो ये हमारे शरीर को क्यों नुकसान पहुँचाता है, आयुर्वेद में इसको लेकर क्या कहा गया है। तो भाई आयुर्वेद में ये बात कही गई है कि दूध और केले का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत सुपर फूड्स में से है, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हम इंडियंस के लिए पचा पाना ना के बराबर है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि हम भारतीय लोग इस केले के जूस को नहीं पचा सकते हैं और साउथ अफ्रीका के लोग इसे कैसे पचा लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भारतीय लोग इसे क्यों नहीं पचा पाते। देखो केले की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, यानी कि ये एक सुपर फूड में काउंट होता है और दूध भी एक सुपर फूड है, ठीक है। और जिन भाई लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर है या पाचन तंत्र नॉर्मल है, उनके लिए दूध भी पचा पाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उसके साथ एक सुपर फूड और जो कि केला, तो भाई बहुत मुश्किल है पचना और ना के बराबर है, ठीक है। अब बात ये आती है कि साउथ अफ्रीका के लोग इसे कैसे पचा लेते हैं, आखिर उनको ये कैसे हजम हो जाता है। तो भाई आप उससे पहले आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो सूर्य के उगने के साथ साथ हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती चली जाती है और सूर्य के डूबने के साथ साथ हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती जाती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि दोपहर के समय हमारी पाचन शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, यानी कि जिस समय सूरज हमारे सर पर होता है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो भाई अगर आपने साउथ अफ्रीका का मॉनसून या वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, तो भाई वहाँ का जो क्लाइमेट होता है गर्म होता है, यानी कि ज़्यादातर वहाँ पर धूप रहती है और इसी वजह से वो लोग इसे पचा पाते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था धूप वाला। अब मेरे कुछ भाई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई कई यूट्यूबर कहते हैं कि वेट गेन करने के लिए तो बनाना शेक बहुत बढ़िया है। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर आए हो या अगर आपके सामने मेरी वीडियो प्ले हो रही है, तो भाई अपने दिमाग से कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ निकाल दिया करो, ठीक है। तो देखो अब वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो भाई सुनो, सबसे पहले तो अगर आपका पाचन तंत्र हद से ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप बनाना शेक पी सकते हो दोपहर के समय, पच जाएगा। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र नॉर्मल है, इतना हाई नहीं है, तो भाई आपको किस तरह खाना है, वैसे तो सभी लोगों को इसी तरह खाना चाहिए जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा हजम होगा, 1% भी ख़राब नहीं होगा बनाना शेक। देखो सबसे पहले आप दूध पी लो, जितना आपको दूध पीना है उतना दूध पी लो, ठीक है। उसके 20 मिनट बाद जितने केले का आप शेक बनाने वाले हो ना, उतने केले खा लो, ठीक है। 20 मिनट के बाद ही खाने हैं, यानी कि आप आधे घंटे बाद खा सकते हो, 40 मिनट बाद खा सकते हो, लेकिन 20 मिनट के पहले मत खाना, ठीक है। ये अब आप में से कुछ लोग फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अगर पेट में जाके तो दोनों तो शेक ही बनेंगे ना, तो भाई मेरी बात सुनो, जब आप दूध पहले पी लोगे तो वो हमारे अंदर के HCL, ठीक है, HCL में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएगा दूध, और उसके बाद जब आप केला खाओगे तो वो केला 100% पचेगा। और यही तरीका है, आयुर्वेद में भी यही बात कही गई है कि केले और दूध को आपको इस तरीके से खाना चाहिए, एक साथ कभी मिक्स करके मत खाना, ठीक है। अब उन भाई लोगों के लिए बात आ जाती है जो लोग वेट गेन ना करके अपने शरीर के अंदर ताकत बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स रिकवरी करना चाहते हैं। तो भाई सबसे बेस्ट ड्रिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, जिस वीडियो का टाइटल है कि अगर आपका बनाना शेक नहीं पचता तो आप ये पी सकते हो, ठीक है। अगर आपको वेट गेन करना है तो बनाना शेक की जगह आप इस तरीके से पियो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको मसल्स रिकवरी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को पूरा वॉच करो, तभी बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख देना, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता देना। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।